back to my YouTube channel and thank you so much for your love and support. आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में इतना प्यार दिया मुझे, सो थैंक यू सो मच. उसमें 1.8K कुछ व्यूज़ चल गए हैं, सो या थैंक्स फॉर इट. एंड आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं मेरा ब्लॉग शूट कर लूँ. आज सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मेरे सामने वाले मंदिर में आरती हुई है और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ. सो गाइज, जैसा कि आप सभी ने देखा, बहुत अंधेरा हो रहा है और आज मैं चाहती हूँ कि मैं आमिर का ब्लॉग शूट करूँ एंड मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, वहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगी. सो यार, इग्नोर माय वॉइस, मुझे पता है काफ़ी अजीब हो रही है क्योंकि कल रात को मैं मेरे सिस्टर के घर रुकी थी और वहाँ मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा खा लिया था. सो यार, इग्नोर इट एंड ठीक है, मिलते हैं शार के बाद. बाय. तो या गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है कुर्ता क्योंकि आज अपन आमेर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ ट्रेडिशनल हो जाए. तो या मैंने आज कुर्ता पहना है एंड आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा जस्ट कमेंट करके बताइए. और अभी बज रहे हैं 7:15, अभी 7:15 हो रहे हैं और बाहर काफी उजाला हो चुका है. सो या मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू. तो गाइस, आप जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, काफी उजाला हो चुका है. तो यार, चलने का टाइम हो चुका है और ये रही मेरी गाड़ी, अपन चलेंगे इससे. या तो अभी अपने को पहुंचने में भी कम से कम आधा एक घंटा लगेगा. तो
फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और यहाँ सामने से सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ इसका कलर और भी निखर के आ रहा है। ये देखिए और यहाँ का व्यू देखिए, पानी लेक का। यहाँ पर काफी सारी फिशेज है और यहाँ इनका दाना मिलता है, तो चलो चलते हैं दाना लेने। गाइस यहाँ पर ये 20 रुपीज का आटा मिलता है जो अपन फिशेस को डाल सकते हैं, तो चले चलते हैं। मछलियों को दाना डाल दिया है और अभी आपको एक बात बताती हूँ, अब बसंत पंचमी का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैं येलो पहन के आ गई हूँ और यहाँ मेरे पूरे पोल्का डॉट्स बन गए हैं, ये डिजाइन बन गई है, सो मेरे को चेंज करना पड़ेगा वरना तो पूरी मैं इसमें हो जाऊंगी, तो यहाँ मैं चेंज करके आती हूँ। तो चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ आगे। तो गाइस यहाँ जो पर्टिकुलर जगह है इसका नाम है दिलाराम बाग, ये दिलाराम बाग, और मैं जैसे जैसे अंदर चलती जाऊंगी वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी जगह के नेम्स, वहां पर क्या है स्पेशलिटी इनकी, तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या है। सो गाइस जिस जगह की मैं बात कर रही थी दिलाराम बाग, वो ये जगह है। और ये 18वीं सेंचुरी में बना है और जिस किसी को भी इसके बारे में जानना है वो ये जरूर पढ़े। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो ये इतना प्यारा व्यू है, यहाँ का बाग है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ प्री वेडिंग शूट हो सकते हैं और यहाँ कोई ब्रांड शूट करवाना चाहे तो वो भी हो सकते हैं और यहाँ आप फोटोज क्लिक कर आ सकते हैं। यहाँ पूरा लेक का व्यू है, आप लेक का व्यू पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ब्लॉक प्रिंट्स है, बहुत प्यारे प्यारे इनकी बहुत अच्छी डिजाइन्स है, ये है भगवान जी की और ये सारे प्रिंटिंग वाले हैं। तो अंकल आपको यहाँ कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। अंकल को यहाँ 25 साल हो गए हैं, तो अंकल आप क्या क्या रेट है इनकी? इनकी है 200, 300, 400 अलग अलग प्राइस। तो अंकल बता रहे हैं कि यहाँ अलग अलग प्राइसेस है और कोई 300 का है, कोई 200 का है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, बाय कर सकते हैं जिनको प्रिंटिंग के लिए चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। तो अंकल थैंक यू। और अंकल आप यहाँ क्या क्या चीजें और देते हैं? मेहंदी लगाते हैं। अंकल ऐसे बता रहे हैं कि ये ब्लॉक से मेहंदी लगाते हैं, मतलब ये ब्लॉक से मेहंदी लगाते हैं और यहाँ पर अगर आपको ब्लॉक चाहिए तो ब्लॉक भी देते हैं अंकल। यहाँ पर चाहिए तो बॉक्स भी बेचते हैं 1300 का। ये किस चीज का बॉक्स है अंकल? कलर मेहंदी का। मेहंदी का ये ओके, ये मेहंदी डिजाइन के भी ब्लॉक है गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है और यहाँ पूरा आगे पूरा मार्केट है। तो अंकल आप यहाँ पर क्या बेचते हैं? लकड़ी का आइटम। किसका? लकड़ी का आइटम है। लकड़ी का आइटम, लकड़ी के आइटम है, शोपीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गणेश जी, हाथी,
मगरमच्छ है, गणेश जी है, हाथी है, कैमल है, मगरमच्छ है, बहुत सी चीजें हैं। और अंकल आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? 25 साल हो गए। अंकल को भी यहाँ 20-25 साल हो गए हैं, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं सारी चीजें। तो चलते हैं आगे की तरफ। गाने का नाम है ऊर्जा काले कवा और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावण हत्ता। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुली बजा रहे हैं, आइए सुनते हैं इनका। एलिफेंट से भी आ सकते हैं और यहाँ पर काफी रिक्शे वगैरह चलते हैं, उससे भी आ सकते हैं और अगर आपका मन करे तो आप पैदल भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये राइडिंग हो रही है। तो चलो चलते हैं अंदर, यहाँ के स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं आपको यहाँ क्या स्पेशल है। तो चलते हैं, लेट्स गो। आपका व्यू हमने दिखाई दिया है आपको ऑलरेडी। तो ये जो किला है वो मानसिंह जी ने बनाया है और ये 16th सेंचुरी में बनाया गया है और ये किला वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ की ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छी है, आपको मैंने जैसा कि व्यू में दिखाया है। यहाँ है ये मंदिर, इस साइड कैंटीन है और यहाँ शीश महल वगैरह आप विजिट कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अपना बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है ऑलरेडी और नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको पूरा विजिट दिखाऊंगी आपको शीश महल वगैरह का। सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन। सो बाय,